इसको क्या हो गया मार्कर को? बहुत आसान सूरत है ये, बहुत ही आसान। अलकारिया कौन सा सीगा है? कुछ तो बताएं, पढ़ा है ना आप लोगों में? और फलू का वजन लग रहा है आपको? कारियातुन, राहिमा, राहिम फाइल है ना, राहिमतुन मोहनस है उसकी। कातिल कत्ल करने वाला, कातिलतुन कत्ल करने वाली औरत, इसमें फाइल। अल कारिया, करा अरबी में कहते हैं खटखटाना। करा किसे कहते हैं? खटखटाना। शायर का एक शेर है, मा हिम्मती इल्ला मुकारातल इदा खलीकत जमान व हिम्मती लम तखलकी। मेरी हिम्मत सिवाय इसके कुछ भी नहीं है, मुकारा अलिदा के सिवाय दुश्मनों के दरवाज़ों को जाके खटखटाना, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। ये अरब के जो पुराने शायर थे ना, ये बहादुरी पे बहुत फख्र करते थे। मेरा काम सुबह से शाम क्या है? दुश्मनों के दरवाज़ों को जाके नॉक करना, खटखटाना, ठक ठक, हाँ भाई आ जा भाई। तो ये जो खटखटाने का लफ्ज़ है ना, इंग्लिश में तो नॉक करना कहते हैं, लेकिन ये इतना मज़ेदार नहीं है नॉक करना जो खटखटाने में, इसमें ज़रा दहशत ज़्यादा है। तो अलकारियातु खटखटाने वाली, वो चीज़ जो खटखटाती है आपको बाहर निकालेगी। जो खटखटाता है ना दुश्मन जब आता है तो आपको आके बाहर भी निकालता है। आ जा भाई, आ जा ज़रा छाँव में, आ जा ज़रा, तेरे से कुछ लेन देन है, मेरा हिसाब किताब है, छाँव में आ जा। सही है ना? अलकारिया ये क़यामत का नाम है। क़यामत के बहुत सारे नाम हैं, उनमें एक नाम, जैसे क़यामत का एक नाम है वाक़या, वाक़े होने वाली, ठीक है ना। हाविया भी है, इसी सूरत में आ रहा है। तो इसी तरह एक नाम, हाविया तो जहन्नम का नाम है, तो इसी तरह एक नाम क्या है? अलकारिया खटखटाने वाली। दस्तक देगी वो, जब क़यामत आएगी तो हकीकत में लोगों के कानों पर दस्तक देगी कि मैं आ गई हूँ, जैसे कोई दुश्मन आता है इस तरह से आएगी। अलकारिया खटखटाने वाली, मलकारिया ये पहले गुजर चुका है ना, माँ क्या चीज़ है वो अलकारिया खटखटाने वाली। पहले अल्लाह ने एक बात की कि भाई खटखटाने वाली एक चीज़ है, मलकारिया खुद सवाल कायम कर दिया कि क्या है वो खटखटाने वाली। जैसे ये आगे आता है वमा अदरा का मलकारिया, वमा अदरा का मलकारिया, ये पहले गुजर चुका है ये लफ्ज है ना, कहाँ गुजरा है? वमा अदरा का माहिया, वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु वअद्दा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा वमा अदरा का मल हुतमा। तो वमा अदरा का, तुम्हें क्या खबर, मल कारिया, माँ यानी क्या चीज़ है अलकारिया, कारिया क्या चीज़ है। तो अल्लाह ये तमहीद बांध रहे हैं क़्यामत की होलनाकी बयान करने से पहले, खटखटाने वाली लोगों के कानों को आके खटखटाएगी, सूर होगा ना बहुत ज़ोर से। मल कारिया तुम्हें क्या खबर के, ये खटखटाने के लफ्ज़ से ताबीर इसलिए किया है कि क़्यामत जब आएगी ना, जैसे आप घर में अपने आराम से होते हैं, सो रहे होते हैं, अचानक कोई दुश्मन दरवाज़ा आके खटखटाता है तो फिर आपकी रूह कांप उठती है, ये कुछ चक्कर है भाई, ये 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, रात अंधेरा है चारों तरफ, कोई मिस कॉल भी नहीं पहले आई है भाई, कोई हो तो दरवाज़ा इस वक्त जो नॉक कर रहा है वो कोई शरीफ आदमी नहीं हो सकता। तो गफलत में जब इंसान होता है और ऐसे नॉक होना शुरू हो जाए तो इंसान घबरा जाता है कि कुछ चक्कर हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं क़यामत भी ऐसे ही आएगी। दुनिया ये तुम्हारा घर है जिसमें तुम सुकून से इत्मीनान से कारोबार ज़िंदगी में मशगूल हो गए। हदीस में आता है जब क़ुरब क़यामत यानी जब क़यामत आएगी ना, तो कोई
खारा होगा खाना, वो निवाला उसके यहीं के यहीं रह जाएगा, मुंह में नहीं डाल सकेगा निवाला वो। तो ऐसे अचानक एक खौफनाक चीज़ आएगी, लोग गाफिल होंगे, साइंसदान अपनी तरक्की में लगे होंगे, ताजर अपनी तिजारत में और साइंसदान अपनी तहकीक में, हर एक अपने कामों में मशगूल होगा। अचानक ही आके नॉक करेगी क़यामत कि भाई बस गफलत से बाहर निकलो, बस अल्लाह ने अब दुनिया की फाइलें लपेट दी, यहीं तक था सब कुछ, जापान की तरक्की बस यहीं तक, ट्रेनें व्रेनें जहाज़ और खलाई सैारे और आसमान पे सफ़र, ये सब कुछ जितना होना था हो गया, इस दुनिया को मैंने ख़त्म होने के लिए पैदा किया था। जबकि काफिर क्या समझता है, हमेशा के लिए। तो अल्लाह फरमाते हैं यहाँ के नॉक करेगी, बाहर निकल चल, जैसे कोई बिस्तर में लिहाफ लेके सो रहा हो ना, लोगों के पैसे खाए हुए हैं और जनाब वो सब कुछ उसने कर लिया, अब आराम से सो रहा है, तो एजेंसी वाले आते हैं, निकल भाई बहुत हो गई, बस अब ख़त्म, अब उल्टे लटकोगे, चित्रौल लगेंगे तुम्हारे। तो अल्लाह ये ताबीर कर रहे हैं, खट खटाने वाली, तुम्हें क्या खबर के क्या है खट खटाने वाली, वमा अदरा का मलकार, या तुम्हें क्या खबर के वो, बार बार उसको सवाल कायम करके ना, उसकी होलना की, उस जितना सवाल दिमाग में बैठता है तो जवाब उतना आसानी से बैठता है। वमा अदरा का मलकार, या फिर आगे अल्लाह खुद बताते हैं कि ये क्या है, यौमा, यकूनुन्नास, ये वो दिन है, यकूनू का मतलब क्या है, होना, बताया था ना, हो जाएंगे लोग, ये वो दिन है जिस दिन हो जाएंगे लोग, क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कल, का क्या मतलब होता है, कुछ तो बता दिया करें यार, खुशी होती है, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, ये कल असद, जैदुन कल असद, जैद शेर की तरह है। तो हो जाएंगे लोग तरह अल फिराश, फिराश कहते हैं पतंगे, कीड़े मकोड़े, ये जो बारिशों में जब पतंगे आते हैं ना, परवाने, आग के गिर्द, चिराग के गिर्द घूमते हैं ये, तो लोग बन जाएंगे पतंगों की तरह, अल मबसूस, बस अरबी में कहते हैं बसा, असल में था बसा सा, जरबा की तरह, इसका माना होता है फैलाना, बिखेरना, जैसे मैं चावल की ढेरी लूं और उठा के यूं बिखेर दूं, तो इसे अरबी में कहेंगे मैंने बस किया है, बस सा के साथ, सही है। तो मबसूस इसमें मफ़ऊल है, जैसे मकतूल, जिसको कत्ल किया जाए, तो मबसूस जिस चीज को बिखेर दिया जाए, अल मबसूस, बिखरी हुई चीज। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये वो दिन है जिस दिन जो दरवाजा आके खटखटाएगी ना क़यामत, तो ये वो दिन होगा जिस दिन लोग हो जाएंगे बिखरे हुए पतंगों की तरह। पतंगे देखा है ना, जब सुबह मरे हुए होते हैं, किसी की टांग टूटी हुई, कोई कुदर पड़ा हुआ, कैसे बारिश, जब पहली बारिश होती है तो कितने पतंगे जमा हो जाते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, और वो कैसे सुबह फिर लोग झाड़ू के जरिए घरों से निकालते हैं वो, तो पतंगे ऐसे फैले हुए होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा तो लोग बन जाएंगे बिखरे हुए पतंगों की तरह, खशो खाशा, कीड़े मकोड़ों की तरह, बड़े बड़े लोग, क्योंकि वो इतना होलनाक आवाज़ होगी कि उस आवाज़ की ताकत से लोगों के कलेजे फट जाएंगे, मर जाएंगे, जो जिधर है उधर ही मरा पड़ा होगा। हदीस में आता है, कुरान में है, वतज़ाउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, हर हमल वाली औरत अपने हमल को गिरा देगी, और तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियातिन अम्मा अर्ज़ात, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को फेंक देगी, भूल जाएगी, हालांकि माँ अपने बच्चे को नहीं कभी भूलती, लेकिन ऐसी होलनाकी होगी कि माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, ये क्या हो रहा है, ऐसा जलजला होगा उस आवाज़ की वजह से। हदीस में आता है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूकेंगे, वो सूर जो है ना सींग की शक्ल की एक चीज़ है, उसे मुँह में लेके खड़े हुए हैं, कई सैकड़ों हज़ारों साल हो गए वो इसी हालत में है, वो थकते नहीं हैं, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हुक्म हो और इसमें आवाज़ दूँ मैं, कब अल्लाह कहे और मैं इसमें आवाज़ दूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अभी गफलत में तुम वक्त गुजार रहे हो, तरक्कियों में लगे हुए, सारे कामों में लगे हुए, लगे रहो, एक दिन आएगी क़यामत का, तुम्हें दरवाज़ा खटखटाएगी और ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये हालत होगी इंसानों की। कल फराश अल मबसूस व तकूनुल जिबालु,
वह तकून, तकून ये यकून था, ये तकून है इसलिए कि या ताबुदू की तरह है, ताबुदू मुअन्नस है ना, ताबुदू याबुदू मुजक्कर, तो ये मुअन्नस इसलिए कि जिबाल मुअन्नस है अरबी में, जमा का लफ्ज़ है ना मुअन्नस है और नास का लफ्ज़ मुजक्कर है। तो वह तकूनुल जिबालू और पहाड़ हो जाएंगे, जबल कहते हैं पहाड़ को, जबल किसे कहते हैं, जबलु तारिक, तारिक बिन ज़ियाद ने जो फतह किया था जिसको आजकल इंग्लिश में जिब्राल्टर कहते हैं। तो वतकूनुल जिबालू और हो जाएंगे पहाड़, कल एहन, एहन अरबी में रुई को कहते हैं, कॉटन, एहन किसे कहते हैं कॉटन, अल मनफूश ये भी इसमें मफूल है, नफ्श कहते हैं रुई को ढूंढना। जब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि होता तो इस ज़माने में भी है लेकिन पहले ज़माने में घरों में ख़वातीन खुद करती थी ये काम, आजकल आपको पता है ख़वातीन के पास काम के अलावा सब काम करती हैं, काम नहीं करती माशाल्लाह बाकी सब काम करती हैं, तो अपने काम होते हैं वो, मोबाइल पे एसएमएस पे ये काम है, आजकल बहुत बिजी होती हैं। वैसे ख़वातीन मेरी ये 350 लोगों में ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है इसलिए मैं ज़्यादा उनको नाराज़ नहीं कर सकता, वरना बहुत दिल चाह रहा था कि कुछ बातें बताऊं कि आजकल ख़वातीन के घरों में एक्टिविटीज़ ज़्यादातर ख़वातीन की, यानी ये वो ख़वातीन है जो मेरा लेक्चर नहीं सुनती उनकी अलावा उनकी बात कर रहा हूँ, जो ख़वातीन तफसीर का लेक्चर सुनती हैं, जो लाइव सेशन में आती हैं, या ये कि जो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बहुत अच्छी हैं, उनके अलावा की बात बताऊं आपको, उनके अलावा ख़वातीन का जो काम है ना आजकल सिवाय मोबाइल और फेसबुक, बिज़ी बहुत ज़्यादा बिज़ी ज़िंदगी है और यही बस आपको बता नहीं सकता कितनी बिज़ी हैं आप। किसी ने फेसबुक पे एक तस्वीर भेजी, एक बच्चा जो है ना टब में पड़ा हुआ है, उस बच्चा बज़बान हाल कह रहा है मेरी अम्मा को बताएं मुझे यहाँ से निकालें, नहाने के लिए लिटाया था, फेसबुक पे बैठी है मेरी वालदा, बच्चों को टब में डाल के फेसबुक पे बैठ जाती हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, गद्दे रुई के जब ख़राब हो जाते थे तो ख़वातीन उसकी सिलाई निकाल के वो रुई को धुनती थी, ऐसे ऐसे अलग अलग करती थी उसको, इसको रुई धुनना कहते हैं, इससे रुई और हल्की हो जाती है, उसकी जो गिठाने और वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं पहाड़ हो जाएंगे कल एहनिल मनफूश, धुनी हुई, मनफूश भी इसमें मफूल है, यानी वो ही रुई जिसको धुना गया हो, धुनने वाले को नाफिश कहेंगे, नाफिश कातिल की तरह, और मनफूश जिसे धुना गया हो जाएंगे पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह या धुनी हुई रुई की तरह, इतने बड़े बड़े केटू माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ ये ऐसे हल्के फुल्के हवा में बादलों की तरह तैर रहे होंगे, इनका जो गुबार है ना ये बादलों की तरह होगा, इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा जलजला और इतनी ज़ोरदार आवाज़ कि इंसान तो पतंगों की तरह और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे हवा में। तभी कुरान में दूसरे मकाम पर आता है फ़ैज़रुहा कान सफ़सफ़ा, तेरा रब जो सूर फूंक पाएगा ना फरिश्ते से, तो वो सूर ऐसा कर देगा कि ज़मीन को बिल्कुल लेवल में बराबर कर देगा, पहाड़ ख़त्म, इमारतें ख़त्म, घर ख़त्म, पूरी ज़मीन एक रेगिस्तान की तरह एक लेवल में हो जाएगी, सिर्फ समंदर और खुश्की बस ये बचेगा, ऐसे लेवल में आ जाएगी ज़मीन, सब कुछ बर्बाद कर देंगे अल्लाह ताला। ये क्यों करेंगे, दुनिया की बेसबाती को बताने के लिए कि जिस दुनिया में तुमने इतना दिल अटकाया उसका अंजाम देखो आज अपनी आंखों से क्या हो रहा है। वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, इसके बाद क्या होगा, ये जहन में रखें, कुरान सबसे ज़्यादा जो मेहनत करता है ना आखिरत का तसव्वुर दिमाग में डालने की, और सबसे ज़्यादा जो कुरान समझाता है वो क्या, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, सबसे ज़्यादा कुरान में इस चीज़ को फोकस किया गया है, और आज हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं मगर दुनिया से मोहब्बत ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ हो जाए लेकिन पैसे नहीं जाए मेरी जेब से, पैसे का नुकसान बर्दाश्त नहीं। तभी आप देख लें नमाजी परहेजगार भी नमाज के मसाइल तो उलमा से पूछते हैं, तिजारत के पूछने वाले बहुत कम हैं, क्यों, उनको पता होता है मौलवी साहब हराम ना कह दें सारा कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, मसला हो जाएगा फिर, तो ये बड़ा एक हिम्मत की बात होती है तिजारत के मसाइल उलमा से पूछना। अच्छा भाई, फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुआ फी ईशतिर राजिया,
फअम्मा, ये लफ्ज कुरान में बहुत आया है। अम्मा, अम्मा का मतलब होता है बहरहाल। बहरहाल, बहरहाल किसे कहते हैं? कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं ना भाई बहरहाल आपको तो आना ही आना है, बहरहाल आपको तो। भाई उर्दू में ये लफ्ज सुना है? हड़ताल है, दावत पे बुलाया है किसी ने, स्ट्राइक की वजह से आप नहीं जा रहे, फोन आया आपके दोस्त का, भाई वलीमे की दावत है, आपको कहा था, आप कह रहे हैं स्ट्राइक है, कह रहे नहीं यार वो ऐसा करो वहां से डिस्को मोड़ से होते हुए आ जाओ, वहां ट्रैफिक खुला हुआ है, स्ट्राइक के असरात वहां नहीं है। आप कहें यार मसला है कि पेट में भी दर्द हो रहा है मेरे, कहें यार ऐसा करो चूरन साथ लेते हुए आना, या मैंने कारमीना की गोली रखी हुई है। आप कहें यार वो असल में मसला ये है कि मेरी बाइक भी पंचर है, कह यार वो कोई बात नहीं यार मैं गाड़ी भेज रहा हूँ उसमें आ जाओ। तीन चार आज़ार जब आप करेंगे तो क्या कहेगा? भाई कुछ भी हो जाए आपको तो आना ही आना है, ये आपकी टेंशन है, आपकी फटीक है, आपकी गाड़ी पंचर है, स्ट्राइक है, नहीं है, मैंने जो इतना खाना पकवाया ये मैं कौओं को खिलाऊंगा क्या? कहते हैं ना लोग ये कौवे खाएंगे क्या, ये तो सारा जाया जाएगा। कुछ भी हो जाए, बाहर हाल, बाहर हाल का मतलब हर हालत में, हर कंडीशन में आपको तो आना ही आना है। तो इसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है अम्मा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी समझ में आए या ना आए, तुम समझो ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तुम समझो ये धोखा हुआ है हमारे साथ, काफिर तो ये कहेगा ना ये क्या हो गया है भाई। तो अल्लाह फरमाए तुम कुछ भी समझते रहो, बहरहाल कुछ भी हो जाए। मन, मन किसे कहते हैं? वो शख्स, अल्लज़ी की तरह है ना मन, वो शख्स। सकुलत, सिकल किसे कहते हैं? सिकल, कशिश, सिकल का लफ्ज सुना है? ग्रेविटी, बोझ, वजन की जो कशिश होती है, सिकल कहते हैं बोझ को। सकुलत ये है नसारत की तरह, रहीमत की तरह, जरबत की तरह। फालत, फालत बताया था ना, फालत किया उसे एक औरत ने गुजरे हुए जमाने में जो भी काम किया। तो सकुलत वजनी हुई, वजनदार होना, सकल का माना होता है वजनदार होना, सकुलत वजनदार। ये आगे चुके मोनस है ना मवाजीन, इसलिए सकुलत मोनस का सीगा है। मवाजीन ये जमा है मीजान की, मीजान किसे कहते हैं? तराजू को, ठीक है ना, वजन को मीजान। मवाजीन उसकी जमा, मवाजीन हु से मुराद ये मन है। वो शख्स के जिसके मवाजीन बोझल हो गए, भारी हो गए, उस शख्स के मवाजीन यानी उस शख्स का तराजू बोझल हो गया। कौन सा तराजू? नेकियों का तराजू। यहां तराजू से कौन सा मुराद है? वो शख्स जिसके नेकियों के तराजू बोझल हो गए, यानी नेकियां ज्यादा थीं उसकी, वजनी थीं। समझ में आई बात? एक मिनट में ये मुकम्मल कर लूं फिर सवाल का जवाब देता हूं। कुछ भी हो जाए, बहरहाल जिस शख्स के नेकियों का पलड़ा झुक गया, यूं भी हम कह सकते हैं, तो क्या होगा? फहुआ, वो शख्स, फी ईशतिन, एक जिंदगी में होगा। ईश जिंदगी को, ऐश कहते हैं ना, ऐश व इशरत, वो जिंदगी में होगा। राजियतुन, राजी किसे कहते हैं? जो राजी हो। राजिया मोनस का लफ्ज, ऐसी जिंदगी में होगा जो जिंदगी इससे खुश होगी। नहीं आई बात? भाई होना तो चाहिए कि इसको ऐसी जिंदगी मिले जिस जिंदगी से ये खुश हो, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसी जिंदगी मिलेगी कि जिंदगी इससे खुश होगी। ये मुबालगा है। हम कहते हैं ना भाई लगता है तुझ पर तो जिंदगी मेहरबान हो गई है, क्या मतलब तेरी सारी जरूरतें तेरी जिंदगी पूरी कर रही है। तो जब कोई बहुत खुशी में होता है तो उसे यूं नहीं कहा जाता कि तू जिंदगी से खुश है, बल्कि कहा जाता है लगता है जिंदगी तुझ पर मेहरबान हो गई है, जिंदगी तुझसे खुश हो गई है। जो चाहता है पूरा हो जाता है, जिधर इन्वेस्टमेंट की पैसा आना शुरू, जिस डॉक्टर के पास गया इलाज, शादी की बीवी नेक मिल गई है भाई, बच्चे सेहतमंद, अमेरिका के लिए अप्लाई किया वीजा आ गया, तेरे बड़े मजे हैं, लगता है भाई तुझ पे जिंदगी। तो ये बहुत जो खुश होता है ना जिसके सारे काम पूरे हो रहे हो,
तो उसको मुबालगतन कहा जाता है जिंदगी मेहरबानी, यानी गोया जिंदगी तुझसे खुद पूछती है बता भाई क्या करना है भाई, कितने पैसे चाहिए बता मैं लाके देती हूँ तुझे। तो ये ऐसा, तो अल्लाह ने भी क्या फरमाया, ये शख्स एक जिंदगी में होगा ऐसी जिंदगी जो जिंदगी इससे खुश होगी, वो जिंदगी है जन्नत की जिंदगी, कामयाबी की जिंदगी, जो चाहेगा वो ख्वाहिश इसकी पूरी होगी। तो ऐसे लगेगा जिंदगी इसकी गुलाम बन चुकी है, वो इससे पूछती है कि तुझे क्या चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फम्मा पस कुछ भी हो जाए, बहरहाल वो आदमी जिसके आमाल का तराजू भारी हो गया, नेकियां ज्यादा हो गई जिसकी, बस कुछ भी हो जाए बहरहाल वो शख्स तो मजे में होगा ही होगा। बहरहाल का मतलब तुम इस अकीदे पर ईमान लाओ या नहीं लाओ। तुम कहोगे यार ये अल्लाह ताला माज़ अल्लाह सियासी बातें तो नहीं कर रहे, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा ना हो मर जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना हो। अल्लाह फरमाते हैं कुछ भी हो जाए, तुम्हारी समझ में आए या ना आए, तुम आखिरत का इनकार करो या इकरार करो तो होगा यही जो मैंने कह दिया। कुछ भी हो जाए, जिसकी नेकियों का पलड़ा झुक गया वो बड़ी मज़े की ज़िंदगी में होगा। वह अम्मा, आप क्या पूछ रहे हैं? फा, फा का मतलब पस, तो फौरी का भी मतलब आता है लेकिन यहां आतफ है ये, तो बहरहाल इसका हम तर्जमा क्या करेंगे, जब ये काम हो गया तो अगला मरहला। तो ये फा आती है कि ये काम बाद में हो रहा है, पहले तो कयामत कायम होगी, उसके बाद ये काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा, बहरहाल जो शख्स वो अम्मा खफत मवाजीनु फउम्मुहु हाविया, और बहरहाल कुछ भी हो जाए वो शख्स खफत, खफा असल में खफाफा, ये था खफाफत, खफीफ कहते हैं ना हल्का होना, खफीफ, खफाफत से बन गया खफत, बिल्कुल फ़ालत की तरह। और जो शख्स उसके मवाजीन हल्के हो गए, यानी उसकी नेकियां हल्की हो गई, हल्की, क्योंकि कुछ ना कुछ नेकी तो हर एक नेकी होती है, कुछ ना कुछ बुराइयां तो हर एक नेकी होती हैं, तो ऐसा नहीं कि एक नेकी की तो जन्नत में और एक बुराई की तो जहन्नम में, ना ना ना, अल्लाह ने हिसाब कर रखा है तो ली जाएंगी। वो अम्मा मन खफत, और जिस शख्स की नेकियों का तराजू वो हल्के हो गए, फउम्मुहु तो उसकी उम किसे कहते हैं, माँ को, यहाँ है असल, असल, असल माँ को भी माँ इसलिए कहते हैं ना, असल होती है, तो उसकी असल क्या है, यानी उसका ठिकाना क्या है। लोग कहते हैं ना भाई तुम असल में कहाँ से हो, असल में किधर के हो, तो कहते हैं भाई मैं असल में तो नाजमाबाद का हूँ, तो मतलब इसका ठिकाना कहाँ है, नाजमाबाद में, बाकी कभी पटेल पाड़ा में घूमता नजर आएगा, कभी औरंगी टाउन में, ठीक है ना, लेकिन असल किधर का है, नाजमाबाद में, कभी गुरु मंदिर में बैठा नजर आएगा। तो लोग पूछते हैं भाई तू कभी गुरुंदर में नजर आते हैं, कभी सदर में नजर आ रहा है, कोई कभी कहाँ नजर आ रहा है, तू असल किधर का है, तो बताते भाई असल तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं फउम्मुहु, ऐसे लोगों की असल है हाविया, हाविया है, हाविया कहते हैं हवा, यहवी जरब यजरिबू की तरह, इसका माना होता है गिरना नीचे गहराई में। तो हाविया गहराई वाली, जहन्नम बहुत गहरी भट्टी है, बहुत गहरी भट्टी है, जिसकी तलवा और जिसका तला जो है ना वो तला बहुत नीचे है। तो अल्लाह फरमाते हैं इसलिए अल्लाह ने उसको यहाँ ताबीर किया हाविया से, फरमाया उसका ठिकाना क्या है, हाविया है। आगे फरमाया वमा अदरा का माहिया, वमा अदरा का, और तुम्हें क्या खबर, मा ही, असल में था ये हिया, हिया किसे कहते हैं, प्रोनाउन है, तुम्हें क्या खबर के मा हिया, क्या है ये हाविया क्या चीज है, तुम्हें क्या खबर के ये हाविया क्या चीज है, मा हिया। लेकिन जब वक्फ करते हैं ना, तो अरबी में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब वक्फ करते हैं तो आखिर में हा लगा देते हैं, जैसे सूरह हाका में है ना, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूलु हा उमुकरउ किताबिया, असल में था इकरउ किताबी, मेरी किताब, लेकिन आगे वक़फ़ किताबिया, तो ऐसे हा अरबी में लगा दिया जाता है बाज़ दफ़ा वक़फ़ करने के लिए। तो असल में था मा ही, तुम्हें क्या खबर के ये
हाविया क्या चीज़ है, तो वक़्फ़ में पढ़ते हैं मा हिया, हिया ते लगा दिया ताकि आगे स्टॉप कर सकें उस पर। तुम्हें क्या खबर कि ये क्या है, आगे फरमाया नारुन हामिया, नार है आग है, हाम हामिया जलने वाली, ये भी राहिमतुन की तरह इसमें फाइल है। आग क्योंकि मोनस लफ्ज़ है तो हामिया, हामिया कहते हैं जलने वाली। तुम्हें क्या खबर कि ये हाविया क्या है, आगे बताया कि ये हाविया आग है, ऐसी आग जो भड़कने वाली है, जलने वाली आग है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो वो गढ़ा जो है ना उसमें आग जल रही है जिसमें अल्लाह के नाफरमानों को फेंका जाएगा। तो इसकी मैं थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ सूरत की। इस सूरत में अल्लाह ताला ने क़यामत की होलनाकियों को मुख्तसरन बयान किया, कुरान मजीद में बहुत तफसील से बयान हुआ है दूसरे मकाम पे। तो इसमें क्या बयान हुआ कि एक वक्त आएगा कि ये तुम्हारे घर को आके, दरवाज़ों को आके क़यामत खटखटाएगी और तुम्हारे कानों को फाड़ देगी ये इसकी आवाज़। उस वक्त होगा क्या, फअम्मा मन ऊतिय मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसके मीज़ान बढ़ गए, बोझल हो गए, फहुअफ़ी यही शतिर राजिया। अब ये यहाँ जो एक बात है इस सूरत में, एक नुमाया बात है, वो ये है कि क़्यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। क़्यामत के दिन नेकियाँ और गुनाह तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जिसकी नेकियाँ ज़्यादा हो गई वो कामयाब है, नहीं, जिसकी नेकियाँ वज़नी हो गई, और इसके बरक्स जिसकी नेकियां हल्की और गुनाह वज़नी हो गए वो क्या है, नाकाम। ये इसलिए है कि नेकियां अगर क्वांटिटी के लिहाज से गिनी जाती तो पांच नमाजों में से अगर कोई तीन नमाजें पढ़ लेता, दो कज़ा कर देता, तो वो पक्का ढक्का जन्नती होता कि नहीं होता, है भाई? भाई नेकियां नमाजें ला के रखी जाएंगी, पढ़ी इतनी, गुनाह कितने, दो छोड़ी, तो पढ़ने वाली ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई? रमज़ान के 16 रोज़े रख लेता, 14 छोड़ देता। ज़कात जितनी फ़र्ज़ हुई है, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये ज़कात के फ़र्ज़ हुए, 26,000 दे देता और 24,000 का गुनाह अपने सर रख लेता, फिर भी नेकी ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई? तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ने गिनने का निज़ाम नहीं रखा बल्कि तोलने का रखा है। तोलने में ऐसा होता है बाज़ दफ़ा एक चीज़ होती है मगर होती वज़नी है, और बाज़ दफ़ा क्वांटिटी के लिहाज से बहुत सारी होती है मगर होती हल्की हैं। रुई का एक इतना सा गोला और लोहे का इतना सा गोला, कौन सा वज़नी होगा? लोहा अच्छा खासा वज़नी होगा, देखने में बराबर हैं। तो ये अब इससे मामला हो गया मुबहम। अब हमें नहीं पता कि कौन सा गुनाह अल्लाह को इतना बुरा लग जाए कि वो हमारी तमाम नेकियों पे वज़नी हो जाए, हो अगरचे एक ही गुनाह वो, और ये भी नहीं पता कि कौन सी नेकी अल्लाह को अच्छी लग जाए जिससे वो तमाम गुनाहों पे हावी आ जाए, होगी वो एक ही। इस मखमसे का फ़ायदा क्या हुआ है? इसके दो फायदे हैं। नंबर एक, इंसान अपनी नेकियों पे इतराता नहीं है और गुनाहों पे मायूस नहीं होता। देखो अगर यूं होता ना कि गुनाह गिन के, तो जिनके गुनाह ज़्यादा हैं वो फिर कोई नेकी करते ही नहीं। वो कहते हैं कि भाई हमारी उम्र अगर 70 साल भी हो तो हमने 40 साल तो गुजार दिए गुनाहों में, अब 30 साल अगर हम नेकियां कितनी भी कर लें, जाना तो हमने जहन्नम में, क्योंकि इतनी देर में पासिंग मार्क्स तो ले नहीं सकते हम। 40 नंबर वाला पास होता है ना, तो उसको पता है 15 मिनट में ये दो तीन सवाल रह गए हैं, इनके 40 नंबर बनते नहीं हैं, तो मैं अगर 15 मिनट में ये तीन सवाल कर भी लूँगा फिर भी जब मेरे 25-30 से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे तो पूरा पर्चा ही रहने दो। नहीं आ रही बात? तो गुनाहगार को उम्मीद है कि भाई तू गुनाह कर रहा है, ठीक है गलत है हम मानते हैं, लेकिन इस चक्कर में किसी नेकी को छोड़ देना ये नहीं, जो नेकी का मौका मिले कर ले, शायद शायद ये नेकी वज़नी हो, समझ रहे हो? जैसे हदीस में आता है एक कुत्ते को पानी पिलाने से क्या हो गया, बख्शा गया, क्योंकि वो एक नेकी अल्लाह को पसंद आ गई, उसमें वजन बहुत था, समझ रहे हो?
और नेक आदमी जो पहले से गुनाहों से बच रहा है वो इतराए नहीं कि मेरे पास तो इतनी नेकियां जमा हो गई हैं, इतनी तहज्जुद, इतनी ज़कातें, इतने सदक़ात, इतने फितराने, अगर मैंने एक बहन की विरासत खा ली तो क्या हो गया, एक बहन की विरासत खाऊंगा 2 करोड़, जबकि मदरसा जो मैंने बनाया वो 80 करोड़ का बनाया है, तो नेकी तो ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई। ये सवाल का जवाब जो है ना आपको आम तौर पे कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसकी कदर करें। तो अब उसको डराया है कि भाई बाज दफा 1 रुपया भी किसी का खा लो ना, वो गुना इतना होता तो 1 गुना है मगर इतना वजनी होता है कि तुम्हारी सारी नेकियों पे हावी आ सकता है वो गुना। इसलिए इतराने की कोशिश ना करो, नेकी कर रहे हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर गुनाह से बचने की कोशिश करो, और गुनाहगार को कहा है कि हर नेकी करने की कोशिश करो। अब हम लोग क्या करते हैं, इस हदीस का और कुरान की आयत का उल्टा मतलब लेते हैं। हम ये करते हैं कि एक आदमी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश हो गई, मैंने तो पता नहीं कितने कितनों को पानी पिलाया है, मेरी तो होगी ही होगी, लिहाजा चोर भी बनो, नमाज भी छोड़ दो, दाढ़ी भी कटाओ, सूद भी खाओ, सब कुछ करो। हालांकि हदीस का ये मतलब नहीं है। जैसे हदीस में आता है एक कुत्ते को पानी पिलाने से बख्शिश हो गई, इसी तरह हदीस में आता है एक बिल्ली को भूखा मारने से सारी नेकियां बर्बाद हो गई। हदीस में आता है कि एक औरत ने बिल्ली को पकड़ के दरख्त से बांध दिया, वो बिल्ली तंग करती थी उसको, भाई तंग करती है तो गोली मार दो उसको, जान से मार दो, ये तो इलाज है, कहीं फेंक के आ जाओ, लेकिन बांध के रख दिया, उसे ना खिलाती थी ना पिलाती थी, वो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गई। एक जानवर का कत्ल है ना, गुनाह है, इंसान के कत्ल से तो कमी है ना, लेकिन अल्लाह को ये अमल इतना बुरा लगा, इतना तड़पा तड़पा के जानवर को मारा है, तो ये एक कत्ल का गुनाह इतना वजनी होगा कि क़यामत के दिन उसकी सारी नेकियों पे हावी आ जाएगा, भारी हो जाएगा ये। तो अब इस दोनों हदीसों को मिलाएं, एक की बख्शिश हो रही है कुत्ते को पानी पिलाने से, एक के अमाल बर्बाद हो रहे हैं बिल्ली को भूखा मारने से। अब नेगेटिव सोच क्या है, गलत मतलब क्या है, कि आप सुबह शाम बिल्लियों को मारते रहें, इंसानों को भी तड़पाते रहें भूख से, बहनों की विरासत भी खाते रहें, बीवी बच्चों के हुकूक अदा ना करें, किसी दिन किसी कुत्ते को पानी पिला दें, आप बोले जैसे उसके कुत्ते के पानी पिलाने से हो गई थी मेरी भी तो हो सकती है, तो ऐसे आदमी को कहा जाएगा कि आपके लिए कुत्ते वाली हदीस नहीं है बल्कि बिल्ली वाली है। जब एक बिल्ली को भूखा प्यासा मारने से जहन्नम में चला जाता है इंसान, तो बहनों की विरासत जो इंसान है, आपका खूनी रिश्ता है, हैं भाई, बिल्ली तो जानवर है ना, उससे तो कोई रिश्ता थोड़ी है आपका, जिस बहन को आपने तड़पाया और आपने जिस खूनी रिश्ते को तोड़ा, आपने नमाज जैसा कबीरा गुनाह किया, तो इसमें तो आपकी बख्शिश का इम्कान और भी कम हो गया, आपके जहन्नम में जाने के इम्कान बढ़ गए हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई गुनाह तो इतना वजनी होगा जो आपकी नेकियों को खा जाए। समझ रहे हो बात को, ये है, ये मतलब है हदीस का। और जो आदमी, अलबत्ता ये है कि जो आदमी ये कह रहा है कि भाई मेरे आमाल में गुनाह इतने हैं कि अब मुझे कोई नेकी की जरूरत नहीं है, मैंने तो जहन्नम में जाना ही है, मैं क्यों कुत्ते को पानी पिलाऊं, उसको ये बताया जा सकता है भाई जो नेकी कर सकता है ना वो कर ले, यकीनी बात तो नहीं है लेकिन इम्कान तो है कि शायद इस कुत्ते को पानी पिलाने से ही बख्शिश हो, शायद के दर्जे में, यकीनी नहीं है। तो वो तो अब आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि आमाल में वजन कैसे पैदा होता है। एक आदमी कुत्ते को पानी पिला रहा है, उसकी तो अल्लाह उसकी इतनी कदर कर रहे हैं, और एक बिल्ली को भूखा मार रहा है, उसकी उसके गुनाह को इतना वजन डाल रहे हैं, तो क्या वजह है, वजन कैसे पैदा होता है? तो वजन पैदा होने के बहुत सारे असबाब हैं। वजन ऐसे पैदा होता है, बाज दफा एक इंसान ऐसे माहौल में पला बड़ा है कि जहां नेकी का तसव्वुर ही नहीं है, उसके लिए एक नेकी करना ऐसे जैसे हाथ में आग का अंगारा लेना, तो उसके लिए एक नेकी की अल्लाह कदर करेंगे कि नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे, भाई तूने कैसे कर लिया, तेरे तो ये भी बहुत बईद था। देखो एक हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, क्या ख्याल है, और एक अंग्रेज है या हिंदू है जो इस्लाम कबूल करता है, उनके लिए इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल, पूरे खानदान का बायकॉट, वो एक दफा कलमा पड़ेगा ना, हमारे
सुबह शाम जो हम 100-100 दफ़ा कलमे की तस्बीहात पढ़ते हैं, ये 100-100 दफ़ा की कलमे की सारी ज़िंदगी की तस्बीहात एक पलड़े में, और एक हिंदू जो पूरी ज़िंदगी में उसने एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह एक दफ़ा का एक पलड़े में, तो बताओ किसका पलड़ा झुकेगा? उसका झुक जाएगा। अल्लाह कहेंगे तू जो 100 दफ़ा सुबह पढ़ता था ना, वो पराठे खा के कबाब खा के घर वाले तुझे तैयार करके नहला धुला के मस्जिद में भेजते थे और वहाँ पढ़ता था तो लोग तारीफ़ भी करते थे, माशाल्लाह बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, इतने अच्छे सुबह शाम तस्बीहात नजराने हदिए लोग लाला के देते थे, तो तेरा दिल चाहता था शाम की भी तस्बीहात पूरी कर लूँ। फिर लाइन लगी होती थी फूंके मरवाने के लिए लोगों की, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं कलमा पढ़ते हैं रोज़ाना, फूंके मरवाने के लिए लोग आए हुए, हज़रत मेरी टिंडे पर फूंक मार दें बाल निकल आएँ किसी तरीके से, सही है ना, हज़रत ये इसकी आँख थोड़ी सी ना फड़क रही है बाएँ वाली, कुछ पढ़ के फूंक दें। जबकि एक गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, औरत है शोहर की नेमत से गई, तलाक हो जाती है ना, बच्चे गए, कोई ईसाई औरत मुसलमान होती है इस्लाम कबूल करती है, एक दफ़ा कलमा उसके लिए अंगारे हाथ में रखने के बराबर है। तो किससे? एक कुर्बानी से नेकी में वज़न पैदा होता है कि आपने एक नेकी के लिए कुर्बानी बहुत दी है। दूसरी बात है इखलास, इखलास से वज़न पैदा होता है कि इस नेकी में आपका जज्बा क्या था, खालिस अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा था, तो वो नेकी का वज़न बढ़ जाएगा। और जज्बा तो अल्लाह को राज़ी करने का था मगर थोड़ा सा पब्लिक भी दरमियान में आगे कि थोड़ा पब्लिक भी खुश हो जाए, थोड़ा सा लोग कहें वाह 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 वाह, तो अब पूरी नेकी तो ज़ाया नहीं होगी क्योंकि असल मकसद तो अल्लाह ही के लिए है, लेकिन उस नेकी की बरकत कम हो जाएगी। रोज़ा देख लो, एक रोज़ा है, एक ही दो ही आदमी रखते हैं, एक का रोज़ा ऐसा है जो सारा दिन तिलावत में नमाज में गुजारता है उस रोज़े को, और एक रोज़ा ऐसा है जो सारा दिन गीबतों में गुजारता है। तो रोज़े का रोज़ा तो दोनों का एक जैसा, मगर एक का रोज़ा वज़नी होगा जिसने गुनाहों से बच के गुजारा, और जिसने गुनाहों में गुजार दिया उसका रोज़ा हल्का होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेकी को वज़नी कर देती हैं, और बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुनाह मामूली होता है मगर उस मामूली गुनाह को, अब जैसे बिल्ली ही को कत्ल कर देना इस तरीके से, तो है तो बिल्ली लेकिन मारी किस तरीके से, खुद थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो कि मुझे भूख प्यास लगे तो मेरी क्या हालत होगी। तो उसको रहम नहीं आया उस जानवर के ऊपर कि भाई तड़प रही है तेरे सामने इसका ये हाल हो रहा है, जबान लटक गई उसकी प्यास से और म्याऊं म्याऊं कर रही है, चीख रही है, मगर उस पर तरस नहीं आ रहा तुझे ज़रा भी, तो दिल के सख्त होने की अलामत है। तो अल्लाह कहेगा कि जैसे तुझे उस जानवर पर तरस नहीं आया, अब क़यामत के दिन मुझे तुझ पर भी तरस नहीं आएगा। बस एक आयत पढ़ के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वयुतइमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनं व यतीमं व असीरा। देखो गरीबों को खाना खिलाने वाले बहुत हैं मगर खिलाना खिलाने वालों की दो अकसाम होती हैं। एक इसलिए खिला रहे होते हैं किसी ने बताया होता है सुबह शाम दो दो बकरे फला मदरसे में खिलाओगे तो तुम्हारे घर से बलाएँ ख़त्म हो जाएंगी, ये भी खिलाना है, इसका भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन एक खिलाना क्या होता है, अल्लाह फरमाते हैं गरीबों को खिलाते हैं, क्यों? कि आज हम तुम पे तरस खाएंगे तो कल क़यामत में अल्लाह हम पे भी तरस खाएगा। कल ऐसा ना हो मैदान हशर में हम धूप में तप रहे हों आमाल गुनाहों की वजह से, तो अल्लाह कहेगा कि तुमने मेरी मखलूक का तो तुम्हें तो किसी पे तरस आया नहीं, तो मैं क्यों तुम पे तरस खाऊं? तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ये लोग जब गरीबों को खिलाते हैं तो कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह को खुश करने के लिए खिलाते हैं, और क्या कहते हैं इन्ना नखाफ मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हमें अपने रब से डर है ऐसे दिन का जो पेशानी पर सलवटें पैदा कर देगा, बड़ा सख्त तरीन दिन होगा, उस दिन आज़ाब का आलम क्या होगा, कुछ तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे तुम्हारी भूख को मिटाएंगे तुम्हारी जो है ना तंगी को दूर करेंगे, तो शायद क़्यामत में अल्लाह कहे कि चलो तुमने मेरी मखलूक का धूप में ख्याल किया था, छाँव में लाई उनको, प्यास में पानी पिलाया और उनके पेट में रोटी डाली, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, तो अब मैं भी तुम पे तरस खाऊं, तुम्हारा उनसे कोई मसला नहीं था, लेन देन नहीं था, मेरी मखलूक होने की वजह से तरस खाया तुमने, तो मैं भी तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो मैंने कहा था करके आओ वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, लेकिन तुमने जैसे दरगुजर से काम लिया तो मैं भी दरगुजर से काम लेता हूँ। हदीस में आता है जो किसी को कर्ज़ा दे और कर्ज़ा जिसने लिया वो इत्तेफाक से उसको कोई हादसा हो गया, बेचारा अब कर्ज़ा नहीं दे सकता, वो गरीब बन गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह इस शख्स को बुलाएंगे और कहेंगे कि इसकी ख़ताओं में चशमपोशी से काम लो। फरिश्ते उसे कहेंगे इसका जो हिसाब किताब है ना जो ऑडिट कर रहे हो तो उसमें क्या करो, हल्का हाथ रखो,
समझ रहे हो? देखो, आपके कोई इंटरव्यू देने वाला होता है ना जॉब के लिए, तो ताल्लुकदारी होती है, तो इंटरव्यू लेने वाले से आप कहते हैं, भाई हमारा बंदा है, जरा हल्का हाथ रखना। क्या मतलब? सख्त इंटरव्यू नहीं लेना, जरा हल्का हाथ, आसान आसान सवाल पूछना, और कुछ गलत जवाब भी हो तो उनको भी सही के खाते में डाल देना। कहते हैं ना हल्का हाथ। तो अल्लाह क़यामत के दिन फरिश्तों से कहेंगे, इस बंदे पे जरा हाथ, बोलो भाई, हल्का रखना। क्यों? इसलिए कि जब ये लोग, गरीब लोग इससे कर्जा लेके जाते थे और पैसे नहीं दे सकते थे, तो ये भी हाथ हल्का रखता था। ऐसा नहीं कि उन गरीबों के घर पे सवार हो जाता हो जाके और उनको जो है ना, हाँ यानी उनके साथ दरगुजर का मामला करता था कि चलो जाने दो यार, कोई बात नहीं, खा गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं भी इसके साथ यही मामला करूँगा। लेकिन ये याद रखें, ये हर कर्जेदार के बारे में नहीं है। आजकल लोग कर्जा लेके पी जाते हैं, इन नालायकों के तो सर पे जाके बैठ जाना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि आजकल ये फैशन बन गया, किसी से पैसे लो और वापस ना करो। ये उसकी बात हो रही है जो ईमानदार आदमी हो, लेते हुए नीयत ही दूंगा, कोई हादसा हो गया बेचारे का, आप दे नहीं सकता, तो उसके साथ बजाय सूद लेने के उसको जो है ना चशमपोशी से काम लेना चाहिए, चलो भाई चलता है जाने दो। तो अब ये भी एक नेकी है छोटी सी, मगर वजन बढ़ जाएगा इसमें। तो इस तरह से नेकियों में वजन बढ़ता है। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल फरमाए, और क़यामत में हमारी नेकियों का पलड़ा हमारे गुनाहों के पलड़े पर झुका दे, ऐसी नेकियों की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।